हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि जो यूपी बीएड 2021-23 है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है और ऑनलाइन आवेदन की डेट भी बता दी गई है, एग्जाम डेट भी बता दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है। सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, हर एक चीज क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब पर बातें करेंगे हम लोग। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, सब पर बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी हम लोग जो आज की न्यूज है। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपी बीएड 2021-23 में आप एंट्री करने जा रहे हो तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज आपको मिल जाएगी। जितने भी डाउट है, क्योंकि आपको पता है एडमिशन जाने के वक्त बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या लगेगा, क्या चीजें होगी, स्कॉलरशिप के लिए क्या करना होगा, हर एक डाउट सबके मन में होता है। तो वो सारे डाउट्स का समाधान यहां पर बिल्कुल सिंपल वे में अपने इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। तो ये था जो है, आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार करवाएगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं, पहले आप डेट्स के बारे में देख लीजिए, फिर मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कौन कौन क्या कर सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन जो होगा बेटा, ये 18 फरवरी से स्टार्ट होगा ऑन लेवल जो, और ये 15 मार्च तक चलेगा। यानी स्टार्ट होगा 18 फरवरी से, चलेगा 15 मार्च तक। और अगर आपका लेट हो जाता है तो विलंब शुल्क भी लगेगा और आप 22 मार्च तक भी आप भर सकते हो, ठीक है। तो विलंब शुल्क क्यों देना, हम लोग टाइम से ही भर लेंगे। चलिए, प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि, यानी 10 मई को प्रवेश पत्र आ जाएगा। और प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि, इन्होंने टेंटेटिव डेट बताया है कि 19 मई जो है टेंटेटिव डेट है। हालांकि इन्होंने टेंटेटिव इसलिए बताया कि हो सकता है किसी कारण पीछे हो जाए, लेकिन पीछे नहीं होगा, इनका एकदम एग्जैक्ट टाइम पर होगा, ठीक है। जब ये कोविड के काल में भी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा सकते हैं तो ये 19 मई को ये करवा देंगे एग्जाम, इसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी। तो सबसे पहले तो भाई ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, यानी कि मान के चलिए आप फाइनल ईयर में हो, यानी आपके इंटर इसके सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है ग्रेजुएशन में और फाइनल ईयर में आप प्रवेश कर चुके हो, तो आप भी को क्या है इस एंट्रेंस एग्जाम को भर सकते हो। इसमें ये क्या होता है कि जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आपके काउंसलिंग के समय होनी चाहिए, ये जरूरी है। बाकी अगर आप अपेयरिंग हो तो भी आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात किया जाए एलिजिबिलिटी, तो ग्रेजुएशन में आपके पास मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उसमें आपके 50% होने चाहिए। अगर मान लो आपके 49% या 48% आपके रह जाते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपकी हो, अगर उसमें भी 50% है तो भी आप भर सकते हो, ठीक है। ये आपकी हो गई एलिजिबिलिटी। बाकी अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस इसकी 1500 रुपये एंट्रेंस एग्जाम की लगती है, आप सबको पता है। और टोटल इस पर मैं पूरी फुल वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या होता है, बीएड करने क्या होगा, कैसे होगा, सब पर इसकी फुल वीडियो लाऊंगा। अभी सिर्फ आपको डेट बतानी थी कि अगर आपके मन में बीएड करने का ख्याल आ रहा है तो आपके लिए सारी डेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट बनेंगी। कौन भर सकता है मैंने पहले बता दिया, ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट में आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप भर सकते हो। 50% के साथ आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपके पीजी में 50% होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप पीजी नहीं किए हो, सिर्फ ग्रेजुएट हो और 50% है, तो आपको पीजी की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पीजी इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत हमें है यूजी की, यानी ग्रेजुएट होने की जरूरत है। अगर नहीं है आपके पास 50% तो जरूरी बनेगा पीजी, ठीक है। इतनी चीजें आपके लिए हैं, जरूरी है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए अलग वीडियो लाऊंगा, इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा आपको, क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से सरकारी कॉलेज मिलेगी, कितनी रैंक कटा वगैरह वगैरह, सब जितनी है सब कुछ यहां पर बता दी जाएंगी। और हां, क्लासेस भी चलेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज जो है बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।